Hello learners, welcome back to the channel, and today we are going to learn class 12 topic, that is matrices, a very important topic for class 12. So let's start with this topic by going back to the 10th class. If you remember, okay, humne 10th class mein padha tha linear equation. अगर आपको याद हो जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो दो वेरिएबल्स के साथ वो डेलिंग इन द 10th क्लास, ठीक है. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 25, ठीक है. मान लीजिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, सो वी वर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस. इट कैन बी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इट कैन बी एलिमिनेशन मेथड, ओके, दैट आई विल नॉट डिस्कस हियर. बट हम क्या कर रहे थे, उन मेथड्स को यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक है. अब अगर हम बात करें, कई बार अगर हमारे पास एक दो से ज्यादा वेरिएबल होते तो उस केस में हम इन मेथड्स को यूज करके x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है. तो देन दे केम विद अनदर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. Okay, so that was the actually matrix. Okay, matrix actually, see matrices are, this is the plural of matrix. Okay, so our main aim of matrix to study karna, matrices is the plural of matrix. Okay, so iske baare mein hum zyada baat nahi karenge. Abhi hume sirf yehi samajhna hai ki linear equations ko solve karne ka ek naya method nikala, that was the मैट्रिक्स, ठीक है. आजकल वैसे मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, कि साइंस की फील्ड में भी यूज हो रहा है. इट इज यूज्ड इन द रिसर्च फील्ड, इट इज गेटिंग यूज्ड इन द कंप्यूटर फील्ड, बिजनेस फील्ड फॉर द एनालिसिस, ठीक है. वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है. अब बात करते हैं मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को समझने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए. मान लीजिए तीन स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड. आई हैव थ्री स्टूडेंट्स, इन तीनों का एक टेस्ट हुआ, लेट्स से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, ठीक है. एक्स स्टूडेंट के फिजिक्स में आउट ऑफ 20 आए 12, ठीक है. केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा आगे, लेट्स से 15, देन 13. वाई स्टूडेंट्स के ऐसे ही 16, 13, 14, सिमिलरली जेड के 20, 18, 14, ठीक है. अब मैंने क्या किया, x, y और z के तीनों के मार्क्स जो हैं, उनको अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है. तो इसी जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है. अब इसको लिखेंगे कैसे, विल यूज द ब्रैकेट्स एंड जस्ट राइट द नंबर्स इनसाइड, 12, 16, 20, 15, 13, 18, 13, 14 एंड 14, ठीक है. तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. अब देखिए, अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो यहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंज कुछ नंबर्स हैं और वर्टिकली अरेंज भी नंबर्स हैं, ठीक है. तो जब हम हॉरिजॉन्टली अरेंज नंबर्स की बात करेंगे, वी कॉल इट एज रो, ठीक है. तो ये जो है, ये हमारी क्या है, दैट इज अ रो, दीज थ्री रोज आर देयर. अगर हम वर्टिकली बात करें, ये चीज जो जैसे है, दिस वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज कॉलम, ठीक है. तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है व्हाइल टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स. जो हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होगी उसको हम रो बोलेंगे, एंड वर्टिकली इज नोन एज द कॉलम, ठीक है. तो अब देखिए, अगर हमें इसके बाद वापस आइए यहां पे, अगर हम इस अरेंजमेंट में देखें तो हमें मैट्रिक्स बनाने का फायदा क्या हुआ, सी एक्स के अगर मैंने जल्दी से मुझे मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि एक्स केमिस्ट्री में कितना है 15, वाई के मैथ्स में कितना है 14, फिजिक्स में 20, ठीक है. सो दिस इज हाउ मैट्रिक्स वर्क्स, ठीक है. बट इट हैज डिफरेंट एप्लीकेशंस आल्सो, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज मैट्रिक्स
And what is matrices? That is plural of matrix. We have discussed how it is used to find the linear equation. Then we discussed about how the representation is there and rows and columns. तो अब अगर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें तो मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. इट कैन बी नंबर ऑल्सो, इट कैन बी अ फंक्शन ऑल्सो. Alright, so I hope you are clear with what are matrix and what are the matrices. Alright, चलिए आगे चलते हैं हमारे next topic की तरफ, that is types of matrix. ठीक है, types of matrices. The first one, the first type which we have, that is column matrix. ठीक है, types किस पे depend करती है कि किस किस तरह से matrices को लिख सकते हैं. ठीक है, what can be the elements in that? Depending upon that, we have different number of the different types of the matrices. तो start करते हैं, first one is a column matrix. ठीक है, यहाँ से देखिए नाम से clear हो रहा है कि column means that something is related to the column. ठीक है, तो that means matrix in which only one column will be there, that is known as column matrix. वो हमारा क्या हो जाएगा? Column matrix, जिसमें एक column होगा तो उसको हम बोलेंगे column matrix. तो इसको देखिए लिखना कैसे है. For example, हमने ये एक मैट्रिक्स लिया है, दैट इज 2 3 4, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. यहां पे अगर हम नोट करें तो कितनी रोज हैं? 1 2 3, तीन रोज आ गई. और कॉलम की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही कॉलम है. ठीक है, तो इसी पे हमें ध्यान रखना है कि एक अगर कॉलम होगा, रोज चाहे कितनी भी हो, वी कॉल इट एज द कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसको इसका ऑर्डर क्या बनेगा? रोज पहले आएंगी. ठीक है, अगर रोज पहले लिखनी होती है, अगर ऑर्डर लिखना है तो यहाँ पे तीन रोज है, दैट विल बी 3 by 1. ठीक है, तो अगर हम इसको जनरली लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू 1. n क्या है? कोई भी नंबर ऑफ रोज हो सकती है, लेकिन हमारा जो कॉलम होगा दैट विल ऑलवेज बी दी 1. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज रो मैट्रिक्स. इट इज सेम एज दैट. ठीक है, इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रो जो है वो एक होगी इसमें. ठीक है, उल्टा है, उसमें एक कॉलम था, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? एक रो आ जाएगी. ठीक है, कॉलम चाहे जितनी मर्जी हो जाए. तो लेट्स टेक एग्जांपल, हमें यहां पर मैट्रिक्स लिया है ए, दैट इज इक्वल टू दिस, दैट इज 2 3 4 5, चार एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो इसमें अगर हम कॉलम्स काउंट करें तो कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 and 4, लेकिन रो जो है वो सिर्फ एक ही है. ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन कह रही थी, अगर एक रो हो तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स. सो दैट इज अवर रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें, हमें रोज पहले लिखनी है तो रो एक है, सो इट विल बी 1 by 4. ठीक है, अगर इसको जनरलाइज करें हो जाएगा 1 by n. ठीक है, तो n क्या है? n कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती है. ठीक है, जरूरी है कि चार ही होने चाहिए. ऑलराइट, सो नेक्स्ट कम टू द स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? देखिए, हमने बात की थी मैट्रिक्स के, अगर हम डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन हमने जब पढ़ा था तो हमने बोला था कि किसी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, तो अगर उस रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे? दैट मीन्स इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल. ओके, सो हियर ऑल्सो सेम डेफिनेशन इज देयर फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन वी विल कॉल इट एज द स्क्वायर मैट्रिक्स. वो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो जाती है इसी मैट्रिक्स में. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा मैट्रिक्स है, चार एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो अगर काउंट करें कॉलम्स की, कॉलम क्या है? दो है, 1 2. सिमिलरली रोज भी हमारी क्या है? दो है. दैट मीन्स वी कैन इजिली से नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, hence we can say this is our square matrix. तो इसमें order क्या बचाएगा? दो दो है तो 2 by 2. तो generally अगर हम इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? n by n. n can be the any number of rows, any number of the columns. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज द
डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर होगा, डायगोनल मतलब हमें अगर एक रेक्टेंगल की बात करें तो डायगोनल क्या होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज डायगोनल, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड एलिमेंट्स होंगे उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वे ऑफ नॉट इज दैट इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी दी सेम, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 होने वाला है, ठीक है। सो इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, ठीक है। तो देखिए नॉन डायगोनल, पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इस तरह से हमारा एक डायगोनल बनाएंगे, ठीक है, और हमारा मैट्रिक्स जो है दैट शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक चीज का ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये डायगोनल एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे इसकी अगर हम बात करें कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ऐसे ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जिनकी पोजीशन में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम वो सेम आए, देन वी कॉल इट एज द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो बाकी सारे जो है हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन डायगोनल, यहां पर कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ना कि डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारे जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये हमारे क्या हो गए, जीरो। बाकी डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी डायगोनल मैट्रिक्स। तो फिर से बता देता हूं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सेकेंड थिंग इज दैट इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन इट शुड बी अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब डायगोनल, सॉरी उसके रोज और कॉलम शुड बी दी सेम, वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ठीक है, उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे और बाकी के सारे जीरो, मतलब जीरो और वन के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे एग्जाम्पल बनेंगे वाली हमें, देखिए ये जो है ये वाले इसके होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, वन और बाकी सारे होंगे जीरो। ऐसे यहां पे देखिए ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे के सारे वन है और बाकी अदर एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जनरली डिनोटेड विद द आई, ठीक है, आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और चलिए ये हमारा आज का लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स मींस इट इज अ मैट्रिक्स व्हिच विल बी हैविंग ऑल द एलिमेंट्स दैट विल बी जीरो, ठीक है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ऑलराइट, देखिए यहां पे एक चीज नोट करने वाली कि इसके जो एलिमेंट्स जीरो तो होंगे, साथ में इसका एक और नाम है, दैट इज द नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी चीज का ध्यान रखना है कि जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज द नल मैट्रिक्स, समटाइम्स इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट क्वेश्चंस, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट, इट इज जस्ट द जीरो मैट्रिक्स ओनली, नल ऑल्सो मीन्स नथिंग, ओके, ठीक है। तो नथिंग मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इज जीरो। सो ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप you all have got everything clear regarding this topic. If you have still any doubt, you can ask me in the comment section, and till then keep learning and keep sharing. Bye bye.